हेलो स्टूडेंट्स वेलकम ऑल ऑन यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज एंड टुडे लेक्चर इज़ डेडिकेटेड टू किचन स्पाइसेस ठीक है जो किचन में यूज होने वाले जो डेली स्पाइसेस होते हैं उनकी फैमिलीज़ और उनके बॉटनिकल नेम पे डिस्कशन है इस लेक्चर में और इसमें दो क्वेश्चन होते हैं एक तो नाम पूछा जाता है बॉटनिकल नेम्स और दूसरा कि बिलोंग टू तो विच फैमिली ठीक है दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हर एक क्वेश्चन के बारे में अगर इस लेक्चर में ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हैं तो आप समझें ये फिफ्टी क्वेश्चन कैरी कर रहा है ठीक है एक तो बॉटनिकल नेम्स और दूसरा इसकी फैमिली के बारे में तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एक से करक्यूमा लौगा इज कॉमन नेम यहाँ पे कॉमन नेम ना होके बॉटनिकल नेम है साइंटिफिक नेम करें किसका नेम है ठीक है क्योंकि हमने थोड़ा सा उसे बनाने के लिए अपनी वनना कलो लैंग्वेज में तो एक आइडिया भी मिल जाएगा शुरू के दो तीन क्वेश्चन में जैसे हल्दी लिख दिया तो हल्दी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं टर्मेरिक तो इसे देखें इसके फिगर को देख लें कंफ्यूज ना हो क्योंकि जिंजर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायग्राम एक सा लगता है कभी कभी एग्जाम में डायग्राम से पूछा जाता है कि बॉटनिकल नेम क्या है इस प्लांट का तो करकुमा लॉन्गा इस जो नेम है वो टर्मेरिक के लिए हल्दी के लिए ठीक है इस उसके बाद क्वेश्चन सेकेंड में देखते हैं इसी में पहले देखते हैं कि फैमिली कौन सी है दूसरा जो सेक्शन होता है कि फैमिली तो फैमिली होती है जिजी वरेसी ठीक है हल्दी की फैमिली है जिन्जी वरेसी सेकेंड क्वेश्चन है, है एलियम सेटाइबम ठीक है एलियम सेटाइबम जिसे गार्लिक या लहसन बोलते हैं ठीक है थीके? तो ये क्लियर हो गया कि गार्लिक लिखा हुआ ऑलरेडी इसलिए हमने क्लियर करा लहसन ठीक है गार्लिक अब दूसरा क्वेश्चन इसी से है कि इसकी फैमिली कौन सी होती है पहले इसका डायग्राम देखें कंप्लीट प्रोडक्ट एंड विद प्लांट ठीक है आप पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं वैसे फील्ड में होता है नॉर्मली अच्छा फैमिली हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं इसकी तो आप इसमें देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है लेलेसी फैमिली ठीक है अब उसका मॉडर्न फॉर्म आ गया एमरेडेसी ठीक तो है, है तो ये डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन ऑप्शन क्या है लेलेसी है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट लेलेसी अगर दोनों दिए जाते हैं तो आप एमराडेसी पे टिक करेंगे ठीक है क्वेश्चन थर्ड है पेट्रोसिलम क्रिस्पम ठीक है इज द साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम ऑफ विच प्लांट ठीक है तो इसे हम जो लैंग्वेज बोलते हैं हिंदी में या अपनी वर्नाकुल लैंग्वेज में अजमूत ठीक है अब अजमूत क्या होता है पहले तो ये क्लियर करना है कि अजमूत किस किस टाइप के स्पाइसेस को बोलते हैं ठीक है तो देखिए इसमें जो एग्जांपल है स्टार एनाइस क्यूमेन पार्सले सेज ठीक है तो इसमें देखिए पार्सले जो कि एपेसी फैमिली है और एपेसी फैमिली को पार्सले फैमिली बोलते हैं उसी को आजमूद बोला जाता है और उसी को पेट्रोसिडिनम क्रिस्पम बोलते हैं ठीक है इसका आप देखें जैसे हम जो बोलते हैं ना बड़ी जो काली इलायची होती है उसके लिए टर्म यूज करा जाता है देख लें आप लोग इसे ठीक है इस पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें इसकी फैमिली के बारे में डिस्कस हो गया आई का है नेक्स्ट देखिए क्रोकस साइटिबस बहुत ही इंपॉर्टेंट और मल्टीपल टाइम्स जो पूछा गया एग्जाम में क्रोकस साइटिबस इज दी कॉमन नेम ऑफ कॉमन ने नहीं बल्कि बॉटनिकल नेम जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको यहाँ से बताना है कि चिली का है ब्लैक क्यूमन का है सेफरान का है तो इसमें दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं ये इस तरीके से पूछा गया जो लिखा हुआ और सैफरान की फैमिली भी पूछी गई है ठीक है तो क्रोकसाइटिव सैफ्रॉन ठीक है उसका नाम है आप इसका फिगर देखें आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से निकाला जाता है इसके जो स्टेमिनस इस होते हैं ये देखिए ये निकलते हुए आपको दिखाए हैं इसमें इस तरीके इसका प्लांट होता है और इसकी फैमिली होती है इरीडेसी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेफ्रॉन की फैमिली इरीडेसी ठीक है ये भी स्पाइसिस हैं अच्छा उसके बाद आता है पाइपर नाइग्रम क्वेश्चन नंबर फाइव में हम डिस्कस करते हैं पाइपर नाइग्रम के बारे में ठीक है इज जनरली नोन एज बॉटनिकल नेम में दिया इसमें से किसका नाम है ब्लैक पेपर काली मिर्च का कैप्सिकम मिर्च का जूनीपर एक स्पाइसिस होता है एंड कार्डमम इलायची का तो ये काली मिर्च का बॉटल निकलने में पाइपर नाइग्रम जिसे कहते हैं ब्लैक पीपर ठीक है अब इसे उसमें भी देख लें फैमिली क्या होगी पाइपरेसी हमने अपने लेक्चर जब हमने फैमिली एपीसी पढ़ाई तो हमने उसे कहा था ये स्पाइस फैमिली बोला जाता है मसालों की फैमिली बोला जाता है बट इट इज़ नॉट इट कम्प्लीटली ट्रू मसालों की बहुत सारे स्पाइसेस हैं ठीक है थीके? तो मोस्ट ऑफ दी बिलोंग टू दी एपाइस ए पी या एम्बली इसलिए एम्बलीफेरी को हम स्पाइस फैमिली बोलते हैं और इसके अलावा कुछ दूसरी फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट स्पाइसिस आते हैं जैसे हमने देखिए काली मिर्च की जो किया है पाइपर नाइग्रम ब्लैक पेपर ठीक है ये पाइपरेसी फैमिली को बिलोंग करता है ए को बिलोंग नहीं करता है तो यहाँ पे कुछ और फैमिली के आप देख रहे हैं जैसे अभी ऊपर आया था सैफ्रॉन एलिडेसी को बिलोंग करता है गार्लिक रिलेसी एमरेडेसी को बिलोंग करता है तो इसी तरीके से इसका देखें कैसे करके ये प्लांट में होता है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और ये इसका वेजिटेटिव स्टेज पर डायग्राम है ठीक है ये बिल्कुल प्रोडक्ट है मार्केटिंग वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मराया कोंजी Name, ये दी बॉटनिकल नेम ऑफ ये बॉटनिकल नेम दिया हुआ है किसका बॉटनिकल नेम है करी पत्ता जो हम बोलते हैं ना करी लीफ चिली मतलब मिर्च मस्टर्ड सरसों एंड फिनेल ठीक है तो पहले तो आप फिगर देख लीजिए कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इसका ठीक है ये इसका बॉटनिक फार्म है और ये थोड़ा हार्वेस्टिंग की तरफ पहुँच रहा है मतलब तो ये मुरैया कोएनजी जो है ये नेम है आपका करी पत्ता ठीक है इसका बॉट नेम अब फैमिली की बात आती है तो फैमिली है रुटेसी देखिए रूटेसी फैमिली में भी स्पाइसेस हैं क्योंकि जब जो यूज हो रहा है हमारे बजट कुकिंग में स्पाइस की जगह पे तो रुटेसी भी एक फैमिली है उसमें क्वेश्चन ऐसे भी करके आता है किन किन फैमिली में स्पाइसेस होते हैं तो उसमें आपका लेलेसी हो गया स्पाइस ठीक है एम्बली हो गया रुटेसी भी हो गया एरेडेसी भी हो गया तो मगर मैक्सिमम जो आते हैं वो एम्बली में ए आई फैमिली को बिलोंग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टिका फ्रैक क्लूड्स द फ्रूट ऑफ ये बॉटनिकल नेम है इंक्लूड द फ्रूट ऑफ ब्लैक क्यूमन जायफल क्यूमिन क्लोब क्लोब लॉन्ग क्यूमिन दूसरा कई सारे जीनस दिया हुआ है जयफल तो एक स्पाइसिस होता है ब्लैक क्यूमिन भी ठीक है तो मिस्टिका फ्रेगनेंस जो होता है वो किसके फ्रूट्स होते हैं देखिए आपको डायग्राम देखने के बाद क्लियर हो जाएगा ठीक है ये आपको क्या दिख रहा है देखिए डायग्राम देखें तो ऑप्शन देख लीजिए ये जायफल आपको दिखाई दे रहा है ठीक है तो मिस्टे ऑफ फ्रेगनेंस जायफल का बॉटनिकल नेम होता है और ये आपका इसका डायग्राम हो गया ये अपनी प्लांट पे लगे हुए किस तरीके को होते हैं ये पूरा कैप होता है इनके इनका टेस्ट है उसके टेस्ट के बाद जो आता है वो मार्केट में आता है फाइनली फैमिली मिस्टेसी तो मिस्टेसी भी एक नई फैमिली ऐड हो रही है स्पाइसिस में इसके बाद यूजीनिया कैरोफाइला ये रिपीट हुआ है हमारी ए फैमिली में आया था ये अन ओपेंड फ्लावर बर्ड ठीक है ये हमने बोला ना काली जो सॉरी लौंग देखिए ये अभी फ्लावर बनने वाला इससे पहले क्या करा जाता है इसे कट कर लेते हैं से उठा लेते हैं और ये ड्राई करने के बाद काली मिर्च मतलब तो ये क्या हो गया आपका क्लो लौंग यूजीनिया कैरियो फाइडा लौंग का बॉट निकलने में और फैमिली कौन सी होगी मेरेटेज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एपीएम ग्रेव्युलस इसे अजमूद पहले आ चुका था अब इसे बोलते हैं बड़ी अजमूद एक स्पाइस होता है बॉट नेम माफ देखिए नाइन क्वेश्चन अजमूद एंड बड़ी अजमूद ठीक है ये भी स्पाइस होता है ये सिलेरी का नाम होता है और सिलेरी किस फैमिली को बिलोंग करती है अम्बली फेरी या एपीसी को इसीलिए उसे सिलेरी फैमिली भी बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका डायग्राम भी देख लीजिए इस तरीके से लुक लाइक कोर धनिया की तरह लगता है मगर धनिया थोड़ा सेपरेट होता है इसका एक जो हिंदी में कहते हैं ना मूड उसकी जो होती है वो बहुत आ, हैवी होती है एज कम्पेयर टू सिंपल जो हमारा धनिया होता है उसके कंपेयर में इसके जो सीड्स होते हैं उनका डायग्राम्स ये इसके बाद देखते हैं फैमिली एपी जो हमने बताया था अब सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेगोनोला फोनी ग्रेसियम मेथी ठीक है जो हम मेथी का साग भी बनते हैं और फिर इसके जो सीड्स आते हैं उन्हें एज ए स्पाइस यूज करते हैं ठीक है अगर प्लांट वेजिटेटिव स्टेज में लीफ तो वेजिटेबल हो गई और उसके सीड को हम एज ए स्पाइस इन काल्ट लोकल लैंग्वेज हम क्या बोलते हैं मेथी तो ये किसका नाम हो गया हिंदी में क्या बोलते हैं फैनिग्रिक तो ऑप्शन ए ठीक है ट्रैगोन देख लें इसका डायग्राम देख लें ये इसका साग खाया जाता है मेथी का और उसके बाद इसके सीड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लेग्यूम्स है ये फेनिग्रिक जो है मेथी वो लेग्यूम्स है तो फेवेसी फैमिली में स्पाइसिस हो गए अब देखें सनामोमियम जी लैनिका दालचीनी इंक्लूड दार काफ दाल चीनी जो होता है पहले डायग्राम देखें उससे क्लियर होगा ये देखिए दालचीनी एक दूसरी वाली होती है दो दालचीनी होती है एक जो आपको लगे ड्राई फ्रूट्स में होती है और एक इसकी लकड़ी यूज करी जाती है इसका प्लांट्स है तो यहाँ पे देखें ये किसका नाम है दालचीनी को यहाँ पे क्या कहेंगे दूसरी लैंग्वेज में फेनेल सनामोन एनीसीड मस्टर्ड तो मस्टर्ड तो नहीं कहेंगे कभी भी तो ये सनामोन ठीक है ये इसका नाम होता है सनामोन का मतलब क्या होता है दालचीनी जो इसका नाम है सनामोन जल्दी उसी से डिक्लेयर होता है और फैमिली कौन सी होगी लरेसी देखिए ये लरेसी फैमिली में भी स्पाइस आ गए इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है आपको स्पाइसिस की फैमिली बढ़ती चली जा रही है इसके बाद देखिए कैप्सिकम फ्रूटेंस अब कैप्सिकम ध्यान में आता है तो लगता है कि मिर्च बट यहाँ पे जो स्पीसीज है वो डिफरेंट है फ्रूटेंस तो ये हो गया आपका शिमला मिर्च ठीक है मिर्च नहीं शिमला मिर्च तो अब यहाँ पे देखिए कैसिया चिली काडाम लॉन्ग पीपर तो कहेंगे चली मगर ये जो जब जीनस और इस को देखेंगे तो ये शिमला मिर्च कहलाती है कैप्सिकम फ्रूटेंस देखिए डायग्राम इसके एक ही प्लांट में कितने कलरफुल हैं उसके बाद एक बिल्कुल वेजिटेटिव स्टेज पे कम्प्लीटली ग्रीन और इसके बाद इसका हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम देखिए शिमला मिर्च ठीक है आपको ये भी दिख रहा है ये तीन चार कलर के आपको दिख रहा है ये देखिए कन्वर्ट हो रहा है लाइकोपिन क्लोरोफिल लाइकोपिन में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फैमिली हाँ मिर्च की फैमिली सोलन तो सोलन एसी भी कितनी सारी फैमिली इंक्लूड्स हो गई बहुत मेजोरिटी ऑफ़ दी स्पाइज बिलोंग टू एप ये ध्यान रखना है आपको उसके बाद फेरोलासेप्टुडा कई बार आ चुका है एपी को बिलोंग करता और ये बॉटनिकल नेम किसका है हींग का नाम है ठीक है एक मसाला होता है ये भी स्पाइसी फार्म में यूज करा जाता है आप इसका प्लान देख लेते हैं एक सरप होता है और ये इसका प्रोडक्ट है और फैमिली ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं एपी ठीक है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है मेरे चैनल पर अब इसके बाद देखते हैं अब टूसफोलियम इट इज साइंटिफिक मतलब बॉटनिकल नेम ऑफ कैलामस जिंजर सेबोरी एंड तेज पत्ता जिस हम बोलते हैं लाइक लो तेजपात ठीक है पात। तो इसका यही तेज़पात का है बॉटनिकल नेम में आपको इसका कंप्लीटली प्रोडक्ट की फार्म है और ये एक वेजिटेरियन जब प्लांट पर लगा होता है तो किस तरीके का दिखता है और मार्केट में आने के बाद किस तरीके का होता है अच्छा फैमिली लेरेसी रिपीट हुई है इससे पहले भी एक फैमिली आई है इस नाम से उसके बाद देखते हैं पीपी एनिसम जिसे हम बिलायती सॉप बोलते हैं सॉफ एक होती है और एक बिलायती सॉफ तो आप देखना एनिसन ठीक है तो ये नाम होता है एनीसीड को हम बिलायती सॉफ भी बोलते हैं और फैमिली इसे देख लें थोड़ा सा डिफरेंट होता है बड़ा मतलब थिकी होता है सॉप की कंपेयर में ठीक है तो इसे बिलायती सॉप बोला जाता है और फैमिली ए को बिलोंग करता है इसके बाद देखिए वनीला बहुत फेमस आता है हमारे चॉकलेट फ्लेवर वनीला फ्लेवर तो अब देखिए वनीला क्या कहाँ से ड्राइव हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बनीला इंक्लूड द बीन्स ऑफ बीन्स कह रहा है बीन का मतलब लेग्युमिनस फैमिली मगर यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है बीन्स ऑफ पोर्ट्स ऑफ ठीक है इनका फल देखेंगे तो आपको बीन्स कितना दिखेगा बिल्कुल देखिए ये बीन्स जैसे होते हैं लेग्युनस प्लांट्स बट अब इसका दूसरा है जिस फैमिली को बिलोंग करता है वो लेग्युनसी नहीं है बीन्स दिख रही बट दट इज नॉट ए ट्रू बींस ठीक है ये फैमिली आर्किडेसी को बिलोंग करता है और आर्किडेसी के मेबर मोस्टली जो होते हैं एपीफाइड्स होते हैं एपिफाइड का मतलब कि दूसरे प्लान पर ये पूरी तरीके से हावी होते हैं ठीक है दूसरी प्लांट पर ही सपोर्ट उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं उसी से वाटर लेते हैं तो ये एक फैमिली होगी आपकी ऑर्किडेसी ये इंपॉर्टेंट रखना बनीला की फैमिली कौन सी है ऑर्किडेसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिंजर ऑफिसनेल इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं हम से उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा लगता है इज इंक्लूड द राइजोम जो खाते हैं इसमें कई क्वेश्चन क्लियर हो रहा है देखिए जिजर ऑफिसनेल जो आपका है अदरक वो है पहले तो क्या है राइजोम्स और राइजोम्स मतलब इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दी रूट आर स्टेम स्टेम की मॉडिफाइड फॉर्म से बॉटनिकल नेम जिंजर ऑफिसनेल और इसे हम क्या बोलते हैं जिंजर जी से बॉटनिकल नेम जेड से ध्यान रखना है आपको अब इसका प्रोडक्ट और प्लांट देख लें छोटा सा प्लांट होता है इसका पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं आराम से इसे हम लोग ठीक है अच्छा फैमिली नाम ही से ड्राइव हुई है जिंजी प्रेसी नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकेसरम एम ये हम पढ़ चुके हैं फैमिली एपीसी में तो आपको ध्यान होना चाहिए किसका नाम है बहुत ही कॉमन अजवाइन का नाम है ठीक है तो इसका प्रोडक्ट भी देखें और फैमिली में देखें ठीक है ये अजवाइन हो गई और ये इसका प्लांट हो गया ठीक तो है ओके फैमिली एपीसी रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेजोरैना होटेंसिस इज दिस बॉटनिकल नेम ऑफ रोज कैप्सिकम मार एंड ये सभी स्पाइसेस के नाम हैं तो आपको ये बताना है ये किसका नाम है ठीक है तो एक प्रोडक्ट होता है स्पाइसेस होता है बट हम लोग इसे कम जानते हैं मारवा बोलते हैं आप इसे प्रोडक्ट देख के आइडिया लेंगे ठीक है इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है फिगर बट फैमिली लेमेसी ध्यान रखें मारवा की फैमिली कौन सी है लेमेसी एक न्यू फैमिली ऐड हो रही है इसमें इसके बाद क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं पे फैमिली से कुछ देखिए क्लोब इज प्रिपेयर फ्रॉम the unopened flowers फ्लावर्स ऑफ विच प्लांट यूज इन द फैमिल एपे सी मतलब प्लांट भी फैमिली एपीसी का क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है और क्लोब क्या है अन ओपन फ्लावर्स ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दो क्वेश्चन क्लियर हो गए तीसरा क्वेश्चन किसका है ये यूजीनिया कैरोफाइलस का ठीक है लॉन्ग जिसे हम बोलते हैं और फैमिली एपे सी चार क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं ऐसे पूछा था क्लोब क्या है अन फ्लावर ओपन फ्लावर्स किस फैमिली को बिलोंग करता है एपीसी को बिलोंग करता है बॉटनिकल नेम किया है यूजेनिया कैरोफाइलस चार क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो रहे हैं आपके इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 वन पार्सले इज ए कॉमन नेम ऑफ विच प्लांट बिलोंग टू फैमिली अम्बली फेरी ठीक है इससे पहले भी आया ये अम्बली फेरी को एपेसी बोलते हैं और पार्सले जो नाम है वो किसका है यूजूनिया कर वाले तो नहीं हो सकता है क्योंकि नान अब पे भी नहीं होता पेट्रोसियम क्रिस्टम नहीं होता एपीएम ग्रेविलेंस का नाम है ठीक है और इसी नाम से फैमिली को जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है पिम्पलेला एनिसम आ चुका ऑलरेडी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ये ठीक है किसका नाम है क्यूमिन एनीसीड का नाम है फैमिली एपीसी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूमिन साइमिनम बिलोंग टू फैमिली एपीसी इज कॉमनली नोन एज इसे क्या बोलते हैं जीरा बोलते हैं देखिए जीरे का डायग्राम आपको देख रहा है तो आपसे क्या कहेंगे आंसर जीरा ठीक है अब फैमिली कौन सी आएगी ऑलरेडी हम बता चुके हैं एप फैमिली को बिलोंग करता है फेरोला आपको बहुत सा क्लियर हो गया हींग को कहते हैं मगर इसमें दो जीनस होते हैं फे जीनस एक है दो स्पीसी हमने बताया गंद वोजा ठीक है वो भी फेरोला है और दूसरा जो फेरोला है जिसे हम हींग बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो हींग है ठीक है फैमिली कौन सी है एप ध्यान रखना है आपको इसके बाद अजवाइन ठीक है ये देखिए मेन फैमिल जो आ रहे हैं वो एप को बिलोंग कर रहे हैं अजवाइन इज प्लांट बिच बिलोंग टू फैमिली अम्बली जिसे एप बोलते हैं और क्लियर ठीक है तो आपने ये देखा पूरे लेक्चर के बाद कि मोस्ट ऑफ़ द जो स्पाइसिस इन आवर डेली किचन यूज्ड बिलोंग टू फैमिली एपे ठीक है थीके? बट इसके अलावा हमने देख रहे हैं कि कुछ दूसरी फैमिली लाइक रूटेसी लेमेसी लेरेसी ठीक है अमराडेसी लेलेसी ये में भी कुछ ना कुछ स्पाइसिस आते हैं ठीक है तो इस तरीके से मेजोरिटी ऑफ द स्पाइसीज बिलोंग टू एपीसी एंड सम अदर फैमिली आल्सो हैव प्लांट्स लाइक यूज्ड इन द फार्म ऑफ एपाइसिस इन आवर डेली किचन ठीक है गाइस थैंक यू वेरी मच